कच्चे आम का बहुत ही अच्छा सीजन चल रहा है, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कच्चे आम की चटनी, जिसे आप रोटी या पराठे के साथ तो खा ही सकते हैं। इसे हर तरह की चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे महीनों तक स्टोर भी किया जा सकता है। इस सुपर टेस्टी चटपटी चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम। यहाँ पर मैंने आम को अच्छे से धोकर ले लिया है। अब मैं इनका छिलका उतारूंगी, या आप इनका पीलर से उतार लीजिए, या चाकू की हेल्प से इनका छिलका उतार लीजिए। छिलका और गुठली उतारने के बाद मैंने इनको देखो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में बना लिया है, ताकि हमें ये कुक करने में इजी रहे। और इसे मैंने एक पतीले में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालना है कि बस ये डूब जाए, इससे ज़्यादा पानी इसमें हमने नहीं डालना है, क्योंकि पानी तो हम इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब नमक। नमक डालने से आम जल्दी कुक हो जाएगा। और ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक। अदरक को मैंने घिस के ले लिया था 1 इंच के टुकड़ा करीबन। और इसमें या तो आप सौंठ पाउडर डाल दीजिए, या फिर सौंठ पाउडर नहीं है तो आप अदरक को इस तरह से घिस के डाल दीजिए। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और ये देखिए, नमक डालने के बाद 1-2 मिनट के बाद ही इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इन्हें 4-5 मिनट ढक के पकाएंगे। और ये देखिए, हमारी ये आम पक के तैयार हो गया है। देखिए, मैं चाकू से काट के दिखा रही, इतना ही हमें इसे पकाना है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। बॉयल किए हुए आम को ठंडा होने के बाद ये देखिए, मैंने ग्राइंडर जार में इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं एक छलनी लगा के इसको छान लूंगी, ताकि इसमें कोई रेसे वगैरह हो वो भी निकल जाएं, और हमारा पेस्ट बिल्कुल एकदम स्मूथ बने। ये देखिए, इस तरह से छलनी लगा के ये सारी प्यूरी को हम इसमें से छान लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से छान लिया है, और जो वेस्ट पार्ट था उसे मैंने निकाल के अलग कर दिया है। बिल्कुल फाइन प्यूरी रह गई है। अब हम लेंगे एक पैन। इस पैन में 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के सौंफ। सौंफ का बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। आप बगैर ऑयल के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इस पेस्ट को पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे पहले भी पका चुके हैं। ये देखिए, मैंने सारा पेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है 3/4 कप गुड़। गुड़ को मैंने टुकड़ों में थोड़ा सा तोड़ लिया था, और इसमें मैंने लूँगी 1/2 कप चीनी। गुड़ और चीनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। दोनों, या तो आप अकेले गुड़ से या चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो कलर भी अच्छा आएगा और बढ़िया बनेगा। गुड़ और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। ये मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसे, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से देखिए, इसका कलर कितना अच्छे से उभर के आया है। और अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच डाल दिया है काला नमक। इसका भी बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और ये देखिए, कितनी अच्छी हमारी ये प्यूरी बन के तैयार होगी। अब मैंने इसके ऊपर ये डाल दिए हैं किशमिश। इसमें किशमिश का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए, कच्चे आम की खट्टी मीठी तीखी चटपटी हमारी ये चटनी बन के तैयार है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी बढ़िया बनी है। ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसे रोटी, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।